परम सत्कार्यो गुरु के प्यारे, गुरु के दुलारे, विद्वत मंडल, एक तो एक चढ़ंदियाँ कौन जरा जाने मेरा नाम जियो, कामल सतगुरु जाहर पीर जगत गुरु बापा पीर पैगंबर से नेक आए, पर जगत दा बाबा ते केवल एक नानक ही सी। सारे पंथ दियां महराज शख्सियतां दे बचन सरवण करन तो बाद मेरे अति सत्कारत वाइस चांसलर साहब जसपाल सिंह जी दे बचना तो बाद मेरे वर्गे अनेक प्यारे इन्हां दे बचना विचों इन्हां दी संगत विचों पैदा होए हैं। तो मेरे वर्गी शख्सियत कुछ कह सके नहीं बनता, पर जे माण बख्शदे हो को गुणा कारण मेरा माण नहीं है, माफ करना। मैं बड़ी बड़ी सोचदा कि वड़े वड़े गुणकार बेअंत शख्सियत संसार विच हन, पर गुरमुख प्यारे इस मूर्ख नूं क्यों माण मिलदा। काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिर लोग कहण दरवेश। इत्थे दी गल नहीं, सारे बचना विच्चों इक्को ही गल मन विच आई है, गुरसिखो साडे मूहां ते चपेड़ां पै रहीआं ने, असी बापू नहीं समझे, दुनिया नूं समझा नहीं सके। सांझी वालता दा पीर कहा गया बापू, सांझी वालता दा पीर बाबा नानक। एक छोटी जी घटना मन विच है जो कि एक उदासीन महापुरश ने कभी कही सी। कहिंदे बाबा जी तुहानूं पता है कि बापू दे अंतम समय ते बाबे दी चादर पाड़ी गई सी, ते जिथे पाड़ी गई है ना, एक पासे पाकिस्तान है, एक पासे हिंदुस्तान है, और दोहां देशां नूं कुछ सोच के चलना चाहिए, चादरां संभाल लो कि इहदी वी दो फाड़ ना होण। ते अज असीं उस वल जा रहे हैं। असीं देखे नहीं बटवारे, असीं वेख्या कुछ नहीं, सुनिया वेख्या टैलीविजन ते, पर जो वापर रहा है कि अपने अंदर झाती मारी है ना। शताब्दी साढ़े चो किसी ने वेखनी नहीं है, कि भुलेखे चला रहा जी शताब्दी साड़ी झोली च पैनी है। अर्ध शताब्दी क्यों आई, तो गुरु नानक की अपनी एक खेड है। शताब्दियां कई बीत गई गुरमुख प्यारे, पिछे गई की मिलिया। लंगरां दे 36 प्रकार दे लंगर छकण दा याद रह गया सानू, बड़ा आनंद आया जी, की प्राप्त किया, बड़ा माणा। 36 प्रकार दे लंगर पीजे भी खाधे लंगरां च, ऐसे विचार आए शताब्दियों विचों। पर जे अर्ध शताब्दी साड़ी झोली च पई है, इस विच एक संदेश है गुरु नानक का कि असी पटड़ी तो उतर चुके हों। एक पेंडे की करैक्शन वास्ते समा मिलिया सानू, उस गुरु नानक की सोच नू, उस गुरु नानक के आदेश नू। अंदर झाती मारी है, कित्थे खड़ोते हैं, कौन है साडा दुश्मन, खा के जख्म जब देखा सतमगर की तरफ, तो अपने ही दोस्त से मुलाकात हो गई। साढ़े ये हालात ने गुरमुख प्यारे, हो बड़े सुंदर विचार वीर दविंदर सिंह जी दे, साढ़े मौला साहब दे, मौलाना जी ने बड़े सुंदर विचार किए ने। और ये जो मुसलमान ने ना साढ़े कहते हैं कि थोड़ा नहीं बापू, साढ़ा पीर नानक है। मेरे जीवन दियां घटनावां ने गुणा कारण करके नहीं, पोप की गल भी चली, कई विचार चली लंबिया ने, मैं बहुत ही लंबी विचार च ना पावां। मैंने याद है दिन कैंटरबरी चर्च में क्रिसमस का दिहाड़ा सी, परिवार लेके इंग्लैंड गए हुए सन, क्रिसमस कैरल असाई अपने चर्चा में गाते ने, तो असी स्कूल में विद्या हासिल की, उत्थे भी असी जाके बैठ गए, तो वह छोटा जा किताब जहा पिया हों जो चलन दिया,
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਿਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਆਰਟ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀ ਕੈਂਟਬਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਰ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਠਹਿਰੋ। ਆਰਟ ਬਿਸ਼ਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਈ ਬਾਉ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਬੋਡੀ, ਆਈ ਬਾਈ ਬਾਉ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੂਜ਼ ਬਲੱਡ ਫਲੋਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਵੇਨਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰੋਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਪਦਮਾ ਸੰਭਵ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਦਰੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਭੁਕ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦਰੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਆ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਇਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਦਾ, ਹਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਧੁੰਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਪੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਓ, ਇਹ ਦਰ ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਵਾਇਆ,
और जो सोचा सी वह प्रगट किया धरती से जिथे असी अज बैठे हैं। संत अमीर सिंह जी भी बधाई दे पात्र हैं, उस प्यार नूं अज भी सुरजीवत रख्या। अज इस शुरुआती खेड विच दासरे नूं माण दिता है, किस कारण? कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई ना ना जाने मेरा। गुरु नानक नूं याद करो गुरमुख प्यारियो। जिवें सानूं वाइस चांसलर साहब ने कहा ना, साढ़े प्रशंसक वे सच्चाई दे, कौड़ा सच दे, कौड़ा सच दे। वीर दविंदर ने जो कहा कौड़ा सच दे, जो कहा गया है तो इस अर्ध शताब्दी विचों किते दिशा वाल साड़ी किते राह साड़ा किते पटड़ी से साड़ी गड्डी चढ़ जाए तो बड़ा कुछ हो जाएगा। यतन करिए एकता की कड़ी गुरु नानक दे उस महान सिद्धांत नूं, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई, सबको मीत हम आपन की, हम सबना के साजन, साड़ा दुश्मनी कोई नहीं, कातल दा भला मनण वाला आया। ये धर्म जिन्हें गोली भी मारी है वह भी भला मंगता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। एडा वड्डा धर्म बापू दे गया भाई, एडा वड्डा धर्म असी उहदे बन नहीं सके, बना नहीं सके। आओ सिर जोड़िए, मुड़ सुल्तानपुर की धरती से जिथे पुरब मनाने जाना है, आओ मुड़ उस घर तो फिर चलीए, उतों ही चलिए। दुनी का पहाड़ा पढ़ना पैना है, असी बहुत कुछ विगाड़ चुके हैं। जिवें दसिया गया ना उदासी साढ़े कोल रहे, ना निर्मले साढ़े कोल रहे, असी मेल तेल च फस गए। गुरु नानक का खजाना, गुरु नानक की खेड समझाने वाले भी सानू छड़ के चले गए। यतन करिए उस कामल सतगुरु के महान इस अर्ध शताब्दी से इन्हों योग रूहों कई ऐसे प्राणी मैं भी थक रहे हैं। अनुराग सिंह जी ने बुजुर्ग भी दास के घर के दास के पिता जी ने बड़े रिश्ते सन, उन्होंने बीड़ा चुकया है। फिर प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी के दर्शन अज मैं कर रहा बड़े सदियों तो बाद। होर अनेक गुरमुख प्यारे इस दरबार में सुशोभित हैं। मैं जम मस्जिद के मौला साहब के पहली बार दर्शन किए, बड़े सुंदर विचार सरवण किए ने। गुरमुख प्यारियो पंजाबी की गल भी जो उर्दू की भी गल चलती है ना, किसी मुसलमान फकीर ने वचन किए सन, अल्लाह तक दात मंगी सी गुरमुख प्यारे ने, ये रकीब अल्लाह से मांगू मैं एक दुआ, मैं अपनी वसीयत उर्दू में लिखूं तो मेरा बेटा पढ़ सके। साड़ी पंजाबी भाषा का भी हाल है गुरमुख प्यारियो, घर बैठ के पंजाब के वसनीक बच्चे अज पंजाबी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं। साडे बच्चे भी शामिल ने क्योंकि स्कूलों ऐसा च पाया ना, यतन किया जा बहुत कुछ। बहु पक्की हमले ने, बैरूनी हमले, असी छातियां ते टाणे हुण ते अंदरों हमले उठ गए गुरमुख प्यारियो। इस बाणे में मेरे वर्गे बड़े फिरते ने, चार ज्ञान दे अखर आ जाण तो बंदा मेरे वर्गा विद्वान नहीं। हम में धीरक रोग दे भी बीमार हाँ सब तो वड्डा रोग। यतन करिए इस शताब्दी के जो प्रोग्राम अड़ीके जा रहे हैं, यतन मेरा भी यही है। सब तो वड्डे दे होण दे नाते माण दिंदा सारा संसार, तो मेरे मन का भी कोई अंतर है कि एक स्टेज एक मंच लगे, एक टिकाणा होवे, वखरे वखरे स्टेज ना लगन जिवें लगते ने, एक होवे जिते हर शख्सियत हर धर्म का जो गुरु नानक नूं जानन वाला है उसते अपने बचन कर सके। इतनी सेवा प्रवान करनी, महापुरश संत अमीर सिंह जी का धनवाद, आप सभना का धनवाद। मेरे तो बड़े बड़े विद्वान बैठे ने गुरमुख प्यारे, अच्छी तो बै ये तो महा मूर्ख कारे लाया, नानक हर कमे वाली खेड है। इतनी एक सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक तीरथ सिंह जी का नाल भी साडा एक पुराना प्यार है, वह भी बाबा सुच्चा सिंह की बदौलत कई बार याद करते ने, स्टेजा के शिंगार ने, उन्होंने भी धनवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।